वेलकम टू पार्क होम यूट्यूब चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। डेंसिटी की डेफिनेशन है द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास हमारे पास जो होगा वो केजीज में होगा और वॉल्यूम जो हमारे पास होगा वो मीटर क्यूब में होगा। इस तरह हमारे पास केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। सिंपल अगर तरीके से हम जानना चाहें तो हम एक बॉक्स लेंगे जो चारों तरफ से उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर तरफ से एक मीटर होगी। उसमें हम बिल्डिंग मटेरियल डालेंगे जैसे सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स यानी बजरी स्टील वगैरह को उसमें डालेंगे। इस बॉक्स को भरने के बाद मटेरियल निकाल कर उसका वज़न करेंगे। केजीज में जो हमारे पास वज़न आएगा वो इस मटेरियल की डेंसिटी होगी। डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, सबसे पहले मटेरियल हम लें, पानी की डेंसिटी सबसे कम होती है। पानी की डेंसिटी है 1000 केजी पर मीटर क्यूब की डेंसिटी होती है। उससे ज़्यादा एग्रीगेट यानी बजरी की डेंसिटी होती है। इसकी डेंसिटी 1200 से लेकर 1750 तक होती है, क्योंकि बजरी मुख्तलिफ साइज में होती है, इसलिए इसकी डेंसिटी मुख्तलिफ होती है साइज के हिसाब से। उससे बढ़कर सीमेंट की है डेंसिटी, उसकी डेंसिटी सीमेंट की डेंसिटी है 1440 ड्राई सैंड 1442 डेंसिटी है इसकी। इससे ज़्यादा सॉइल की है, ड्राई सॉइल हमारे पास जो आम मिट्टी से कहते हैं, उसकी 1700 केजी पर मीटर क्यूब। उससे बढ़कर ब्रिक जो आम ईंटें हम इस्तेमाल करते हैं उसकी 1920 है। कंक्रीट की डेंसिटी 2400 होती है। आरसीसी की डेंसिटी 2500 केजी पर मीटर क्यूब है। उससे ज़्यादा मार्बल स्टोन है, मार्बल स्टोन की 2711 केजी पर मीटर क्यूब है। सबसे ज़्यादा स्टील की होती है, स्टील की 7850 केजी पर मीटर क्यूब है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग पार्क होम यूट्यूब चैनल।